यार ये मुंबई है कि बीजेपी कभी हारती नहीं। गब्बर जोक। ओ यार फिर क्या हो गया, दिल्ली हार गई यार। गब्बर जोक तो फिर भी सुनाऊंगा हैं। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो इंडिया फैंटेसी चैनल को, फिर शुरू करते हैं सेलिब्रेशन। दबा दो ये घंटा, चक जवाना। भैया मैंने तो रन भी मारे थे तभी हारे हैं। मेरा राजा बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। अरे पंत बेटा, हाथ में उंगलियां कितनी होती हैं? भैया पांच। बस उतनी बार आईपीएल जीत चुके हैं हम। हाँ, नीता भाभी के आशीर्वाद से। और जिस तरह ईशान किशन ने बैटिंग की है, उसका नाम होना चाहिए ईशानदार किशन। गब्बर जोक। पंत बेटा, चार के बाद क्या आता है? भैया पांच। बस उतनी बार आईपीएल जीत चुके हैं हम नीता भाभी के आशीर्वाद से। इसी बात पे उनका मैसेज सुनाता हूँ आप सबको, ये सुन लो। हर मैच में रोहित है छाया, हर बॉलर के करियर को खाया, टीम की पूजा करूं मैं हर दम, ये है मेरे करम। जीती मुंबई इंडियन, हारे ना कभी ना हम, जीती मुंबई इंडियन ये। और जिस तरह पोलार्ड ने दो चौके मारे थे यार, मतलब है जान है, उसका नाम होना चाहिए किरान। बहुत हार्ड बहुत हार्ड। कब्बर जोक। पंत बेटा, 6-1 कितना होता है? भैया पांच। और हाँ, आप इतनी बारी आईपीएल जीत चुके हैं नीता भाभी के आशीर्वाद से, पता है? स्मार्ट बॉय पंत बेटा, 50 रुपए की पेप्सी मुंबई इंडियन सेक्स। वैसे जिसके नाम में ही हिट हो वो तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। रो हिट है शर्मा जी का लड़का। गब्बर जोक। अरे मैं बहुत करके आया था इस बार प्रैक्टिस। हैशटैग हुकला का शिका। क्यों रे गब्बर, बड़ा खुश है रे तू? ओ यार अपनी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, किसी और की खुशी में ही खुश हो जाते हैं। चक जवाना। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब किसी ने सोचा नहीं था कि मुंबई इंडियंस बैक टू बैक आईपीएल जीतेगा। सबसे पहले तो जिस तरह मुंबई इंडियन ने इस टूर्नामेंट में बाकी टीम्स की अंबानी लगाई है, उसकी काबिले तारीफ तो नहीं पर प्रशंसा जरूर करनी होगी। ओ जी दिल्ली हार गई जी, इसकी जांच होनी चाहिए जी, कुछ तो घोटाला हुआ जी। सिसोदिया चलो धरना करें, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है जी, फाइल्स खुलवाऊंगा मैं जी। ओ अभी तो यार मफलर बंद रखो जी, पोल्यूशन बहुत हो रखा है दिल्ली में। ये भी सही बात है जी। पंत बेटा पांच। पंत बेटा फाइव को हिंदी में क्या बोलेंगे? भैया पांच। और उतनी बार? भैया आप आईपीएल जीते हो। गुड बॉय पंत बेटा। वल्ला हबीबी, तुम हार गई, हम तुम्हारा दर्द समझ सकती, इससे पहले तुम इंडिया जाती दिवाली मनाती, हम तुमको हग करके तुम्हारा दर्द महसूस करना चाहती। ओए बब्बू गोशे, तू दर्द तो नहीं कुछ और ही महसूस करना चाहता, निकल यहाँ से पैंच निकल, हट। अच्छा एक लास्ट गब्बर जोक सुनाता हूँ। अगर ट्रेंट बोल को रेलगाड़ी पसंद होती तो उसका नाम होता ट्रेन बोल्ट। फुद्दू गब्बर जोक। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बात है, क्या आईपीएल रहा है इस बार, वाह। उम्मीद थी कि धोनी भाई टॉप फोर तक आएंगे, पर चलो कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। कभी कभी दूसरों को भी मौका देना चाहिए, पर इस बार ज्यादा हो गया। भगवान भला करे चेन्नई का। और इस बार आईपीएल से निकले कुछ चंद बहुत सितारे, नाम लेता हूँ एक एक करके। नटराजन, वरुण चक्रवर्ती, लॉर्ड तेवतिया, प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, राहुल चहर, ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पटिकल, और कुछ नाम मिस कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आजकल बादाम कम खा रहा हूँ मैं। और दिल खोल के बीसीसीआई को धन्यवाद, आईपीएल के कारण कुछ तो खुशी मिली, वरना ये कोरोना ने जिंदगी के लॉकडाउन लगा दिए थे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, दादा को जफ्फी और पप्पी कंट्रोल उदय। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा कमेंट सेक्शन में लिख दो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और इंडिया फैंटेसी चैनल को सब्सक्राइब करो। ये घंटा जरूर दबा देना ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपकी घंटी बज जाए। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, पर आबादी मत बढ़ाओ है। एक बार फिर से मुंबई इंडियंस को लख लख बधाइयां, और आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। ओए मुंबई।